तो सबसे पहले हम बात करेंगे VVM को प्रोग्रामिंग को इस्तेमाल करने से पहले हमें अपने सिस्टम में क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा, मतलब कि एक्सेल में क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा ये जानना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए सबसे पहले आपके पास एक्सेल जब कोई भी प्रोग्रामिंग यूज करते हैं या किसी भी तरह के प्रोग्रामिंग बनाने जा रहे हैं आप, तो आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए, क्योंकि यही से आप VVM प्रोग्रामिंग और बाकी चीजों को नेविगेट करते हैं। डेवलपर जो टैब है वो बाय डिफॉल्ट जो है वो हिडन होता है, इसको अनहिडन करना पड़ता है फाइल में ऑप्शन पे जाके और कस्टमाइज रिबन। अगर आपके पास 2010-13 ऑनवर्ड लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है तो यहाँ से ये अनचेक होता है, इस पे क्लिक करना होगा। लेकिन आपके पास 2007 या उससे लोअर वर्जन है तो आपको यहाँ जनरल में ही यहीं पे आपको दिखेगा सो डेवलपर टैब इन द रिवर। एक बार आपको डेवलपर टैब, ये आपको वन टाइम ही करना है, डेली बेसिस पे नहीं करना है। तो डेवलपर टैब से क्या होता है, आप प्रोग्रामिंग को नेविगेट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी, माइक्रो सिक्योरिटी की। देखिए जब भी आपका जो सिस्टम है डिफॉल्ट सिक्योरिटी को डिसेबल लगता है, माइक्रो को डिसेबल लगता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठ के आता है कि माइक्रो इतना यूजफुल है और इतना इंपॉर्टेंट है तो माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डिसेबल क्यों किया है। तो माइक्रो क्या है, प्रोग्रामिंग है, और प्रोग्रामिंग हर तरह की जा सकती है। हो सकता है कि किसी ने आपको प्रोग्रामिंग VVM प्रोग्रामिंग में वायरस भेज दिया हो, समझे। हाँ सर, तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट ने उसको डिफॉल्ट डिसेबल कर रखा है। आपकी जरूरत है तो आप अनेबल कर ले, तो यहां से अनेबल कर सकते हैं। अगर अनेबल नहीं करेंगे तो आपके माइक्रो चलेंगे नहीं जब तक कि आप अनेबल नहीं करते हैं। और अनेबल दो तरीके होता है, अगर आपने माइक्रो सिक्योरिटी में डेवलपर टैब में जाके माइक्रो सिक्योरिटी में आपने अनेबल ऑल माइक्रो कर दिया, इसका मतलब है कि अब आपका फाइल में डायरेक्टली माइक्रो रन कर जाएगा। लेकिन डिसेबल विथ नोटिफिकेशन है, इसका मतलब है कि आपकी फाइल में माइक्रो तो वर्क करेगा लेकिन एवरी फाइल पे आपको माइक्रो को अनेबल करना पड़ेगा। मतलब कि जब भी आप माइक्रो वाली फाइल को ओपन करेंगे तो आपसे पूछेगा कि अनेबल माइक्रो सिक्योरिटी वार्निंग के तहत। लेकिन दिक्कत ये होगी, इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग बगैर नहीं चलेगा और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप इसको अनेबल कर लें, लेकिन ध्यान रखें किसी अननोन पर्सन की माइक्रो फाइल को ओपन ना करें। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन उठ के आता है कि मैंने आपको बोल तो दिया कि अननोन पर्सन की माइक्रो फाइल को ओपन ना करें, लेकिन कैसे पता चलेगा कि इस फाइल में माइक्रो है या नहीं है। देखिए माइक्रो फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .xlsm पहला, और दूसरा होता है .xlsa, दो फाइल टाइप होते हैं। अगेन दो फाइल टाइप से आ रहा है तो इसमें माइक्रो हो सकते हैं। तो पहला फाइल टाइप है उसमें माइक्रो हो सकते हैं बट जरूरी नहीं है, बट नीचे वाला जो है एडिंस, इसको ये बोला तो एडिंस हो गया, इसमें माइक्रो होगा ही होगा। तो कैसे दिखेगा, तो चलिए हम आपको कुछ आइकन दिखाते हैं। यहाँ देखिए ये जो आपके आइकन दिख रहा है ये आपका माइक्रो अनेबल वर्कबुक है, मतलब कि XLSM है, दिख रहा है सर। कैसे पता चला, क्योंकि ये जो आपका आइकन में जो एक्सप्रेशन मार्क लगा हुआ है ना, अगर ये लगा हुआ है इसका मतलब है कि वो माइक्रो अनेबल फाइल है, ठीक है सर। हाँ सर, अब मैं आपको और दिखाता हूँ, और जिसमें नहीं लगा हुआ है जैसे कि ये है, ये आपका नॉर्मल एक्सेल फाइल है, ये जो दिख रहा है आपको इसको नॉर्मल एक्सेल फाइल बोलते हैं, क्लियर है सर। हाँ सर, अब इसमें आती है कि वो जो ए वाली फाइल कौन सी है, माने कि एडिंस वाली फाइल कौन सी है जिसपे माइक्रो होगा ही होगा। तो मैं आपको उसको एक बार सेव करके दिखाता हूं,
क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हमने अपने अपने एक्सेल में कोई माइक्रो, आपको दिख रहा है कोई माइक्रो हमने बनाया हुआ है, राइट। अब मुझे इस माइक्रो को यहां से सिर्फ माइक्रो अलग करना है, डेटा नहीं, राइट सर। तो उस केस में क्या करते हैं, तो उस केस में उस फाइल को हम सेव एज करते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन में जिसमें डॉक्यूमेंट में, और यहां पे हम एक्सेल एड इन सिलेक्ट कर लेते हैं, ये ना। अब यहां आप देखेंगे कि एक और आइकन बन के आ गया होगा इसमें नॉर्मल डॉक्यूमेंट, ये रहा, दिख रहा है सर। ये जो आइकन बना ये एड इन फाइल, इसमें डेटा नहीं होगा, इसमें सिर्फ उसकी प्रोग्रामिंग होगी। तो अगर आपके पास इस तरह का आइकन मिल रहा है तो इसमें 100% VBA प्रोग्रामिंग ही है सर। इसमें डिफरेंस क्या है, वो और एक है ना सेव करने के लिए मैक्रो एनेबल करके हम सेव करना है, मैक्रो एनेबल वर्कबुक इसको बोलते हैं, उसमें एक्सेल और वीवीए, एक्सेल की डेटा और वीवीए प्रोग्रामिंग दोनों होती है सर। ओके, इसमें सिर्फ वीवीए की प्रोग्रामिंग होती है। ओके, जैसे मान लीजिए आपने एक मैक्रो बनाया हुआ जिससे आपका रिपोर्ट बस एक क्लिक पे बन जाता है, कलीग भी उसी तरह की रिपोर्ट बनाती है। आपके कलीग ने बोला भाई मेरा मैक्रो दे दे मुझे, मैक्रो मुझे दे दे, तो आप उनको माइक्रो भेजेंगे तो आप अपनी फाइल क्यों भेजोगे, क्योंकि फाइल के साथ तो आपका डेटा भी चला जाएगा ना। हाँ, आप डेटा शेयर नहीं करना चाहते हो, तो फाइल को सेव एज एक्सेल एड इन कीजिए और उसकी सिर्फ माइक्रो अलग करके उसको भेज दीजिए। ओके, समझ गए ना, वो इसमें डेटा नहीं होता है, माइक्रो होता है। अब जैसे कि आप आपको दिखा जैसे एसटी डेटा हुआ, तो इसमें माइक्रो नहीं है बट मैंने डेटा को माइक्रो फाइल में सेव कर दिया। एनेबल वर्कबुक जो हम फाइल को सेव करते हैं, एक्सेल एनेबल वर्कबुक जो है माइक्रो को सेव करता है, ये ऊपर वाली फाइल डेटा भी सेव करता है, सिर्फ डेटा भी सेव करता है बिना माइक्रो का। और ऐसा होता है क्यों मैं बताता हूँ आपको। मैं अब अगली जो प्रिपरेशन है, हमें आपको तीन प्रिपरेशन के बारे में बता रहा था हमें, पहला तो हमने बताया डेवलपर टैब होना चाहिए, दूसरा बताया कि माइक्रो सिक्योरिटी अवेलेबल होना चाहिए, और उसी बीच में मैंने आपको समझा दिया कि माइक्रो सिक्योरिटी अगर एनेबल करते हैं तो आने वाली अननोन पर्सन की फाइल को एक बार आइडेंटिफाई कर ले कि आपका एक्सेल फाइल है, माइक्रो फाइल है, नॉर्मल फाइल है। ओके, अब दूसरा आता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग को लिखने से पहले अपने फाइल को सेव करना है आपको। क्यों? क्योंकि आप जब तक फाइल को सेव नहीं करेंगे तब तक आपका डेटा सेव नहीं होगा ना सर। लेकिन फाइल अब उसमें कौन सी भी बात में कंट्रोल एस कर लेते हैं, नहीं, सेव करनी है माइक्रो अनेबल वर्कबुक में, यहां माइक्रो अनेबल वर्क। डिफॉल्ट जो आपका एक्सेल का सेटिंग होता है वो होता है एक्सेल वर्कबुक पे, एक्सेल वर्कबुक जो है आपका माइक्रो को कैरी नहीं करता है। तो कई बार ऐसा देखा गया है कि बंदे 2 घंटे 3 घंटे की माइक्रो की फाइल पे काम करता है, मेहनत करता है और जस्ट कंट्रोल एस मारता है और एंटर कर देता है। वो इस प्रॉब्लम मेरे साथ भी कई बार हुई है, हम गलती से फाइल को एक्सेल एक्स में सेव कर देते हैं, एक्सेल वर्कबुक में, और एक्सेल वर्कबुक कहता है कि किसी तरह के माइक्रो को कैरी नहीं करता है। तो उस केस में आपने फाइल को सेव करना है माइक्रो अनेबल्ड वर्कबुक में, लेकिन मेरा मैंने अपना डिफॉल्ट सेटिंग ही माइक्रो अनेबल्ड वर्कबुक कर रखा है, किसमें ऑप्शन पे जाया और यहां सेव पे गया और यही पे मैंने सिलेक्ट कर लिया डिफॉल्ट फाइल फॉर्मेट में माइक्रो अनेबल्ड वर्कबुक, ये डिफॉल्ट फॉर्मेट हमारा है। तो मेरा फाइल हमेशा इसी में सेव होता है, नॉर्मल फाइल भी और माइक्रो फाइल भी। तो इधर भी हम कर सकते हैं क्या बोला? नहीं सुनिए, आपने क्या बोला सर?
हेलो हाँ बोलिए सर। नहीं मैं सही है, मुझे ये वाला पता नहीं था। तो सेव जो होता है आपका यहाँ पे ऑप्शन पे आप जाइए, ऑप्शन पे जाने के बाद आपको सेव और यहाँ पे इसको डिफॉल्ट सेट कर दीजिए। उससे क्या हुआ कि आप सेव जब बाय डिफॉल्ट इसका जो नीचे फॉर्मेट होगा वो आपका माइक्रो इनेबल वर्कबुक हो, ठीक है, आपको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए जी, ओके। तो इसको बोलते हैं प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में आपने देखा कि क्या क्या आपको पहले करना है, उसके बाद बारी आती है कि आपको प्रोग्राम बनाना क्या है, उसका एल्गोरिदम। देखिए प्रोग्रामिंग, कोई भी प्रोग्रामिंग क्या कुछ स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है आपका एनालिसिस, कि हम प्रॉब्लम को एनालिसिस करते हैं एंड हम करते हैं एल्गोरिदम। उसके बाद हम करते हैं कोड, उसके बाद करते हैं टेस्टिंग, रिकोड अगर एरर आया तो, एंड देन रीटेस्ट जब तक कि सक्सेस नहीं होता है, देन हम करते हैं अप्लाई। एक प्रोसेस है किसी भी प्रोग्रामिंग को, कि पहले आप प्रॉब्लम को एनालाइज करें, एक छोटा सा तरीका निकालें, फिर उसकी एल्गोरिदम को लिखें, देन उसके बिहाफ पे आप कोडिंग करें, फिर टेस्ट करें, एरर आता है तो रिकोड करें, फिर रीटेस्ट करें, रिकोड रीटेस्ट, रिकोड रीटेस्ट, कब तक चलता है, जब तक कि फाइनलाइज ना हो, देन हम अप्लाई करते हैं। तो ये स्टेप होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग को यूज करने की। अब एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसको सिखाने की जरूरत नहीं है कि आपका क्या सोचने का तरीका है और आपकी नॉलेज क्या है। एल्गोरिथम क्या होती है, एल्गोरिथम होती है जस्ट स्टेप को लिखना। अब बोलेंगे सर स्टेप क्या लिखना, समझा नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे ए और बी और सी पे नेम, रोल नंबर और मार्क्स लिखना है, तो इसका एल्गोरिथम बनेगा पहले स्टार्ट, मतलब कि सेलेक्ट ए वन, एंटर नेम, सेलेक्ट बी वन, एंटर रोल, एंटर मार्क्स और एंटर। ये तो बच्चों वाली बात हो गई, ये तो पता है कि भाई लिखना है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, पहली चीज ये कि आपको स्टेप को नहीं भूलना है। जैसे कि आपको अगर डेटा कॉपी करना है तो फर्स्ट नीड टू सिलेक्शन, तो आपको डेटा कॉपी करने से पहले सिलेक्शन का कोड डालना होगा, देन डेटा कॉपी का कोड डालना होगा। अब अगर ऐसा आपने किया कि पहले कॉपी कर लिया फिर सिलेक्ट किया, तो फिर तो गलती हो जाएगी ना सर। तो स्टेप को फॉलो करना है, राइट। हेलो, हाँ सर जी, अब इसमें अगला आता है, वो आता है कि अगर मान लीजिए आप प्रवीण जी के पास कोई प्रॉब्लम है, प्रवीण जी ने बोला है सर मैं भी एक माइक्रो तैयार कर दीजिए, अब हम पूछेंगे प्रॉब्लम क्या है, वो फोन पे उन्होंने बताया कि सर मुझे यहाँ जाना है, कॉपी करना है, पिपट लगाना, चार्ट लगानी है, कंडीशन चेक करनी है, इसको ऐसे करना है, उसको ऐसे करना है, तो क्या लग रहा है सब कुछ याद रहेगा मुझे। अगर आपका अपना काम है तो आपको पता है क्या क्या स्टेप है, तो उसमें एल्गोरिथम की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आप किसी और के काम को, किसी और के फाइल को आप यूज ऑटोमेट करने जा रहे हो, तो एल्गोरिथम तो लिखना पड़ेगा ना सर, कि कहाँ पे क्या जाना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। जी इसलिए आपको एल्गोरिथम पढ़ना जरूरी है। दूसरा क्या होता है, ये हम लोग प्रोग्रामिंग करने बैठ जाते हैं और बीच में पता चलता है कि यार इसका कोड क्या होगा, समझे। जैसे मान लीजिए आपको जो है एक फाइल को
एक फोल्डर से कॉपी पेस्ट करना है, एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में। अब बाद में पता चला कि यार दूसरे फोल्डर में कॉपी पेस्ट किया तो पता चला कि उसमें तो ऑलरेडी फाइल एग्जिस्ट था, तो कॉपी पेस्ट नहीं हो रहा है, तो मुझे पुराने वाले फाइल को डिलीट करना होगा, और डिलीट करने का कोड क्या होता मुझे नहीं पता। ये जो प्रोग्रामिंग करते समय बीच में जो आप फंसेंगे, उससे पहले आप एल्गोरिदम लिख लें और उस एल्गोरिदम के सामने उसकी कोड को लिख दें। अब जिस स्टेप का कोड आपको नहीं आता होगा, उस स्टेप के कोड को रिसर्च करें, किसी से मदद लें, देन यू कैन अप्लाई द प्रोग्राम। ये मेरी सोच है। तो आपको क्या करना होगा कि एक रजिस्टर को लेना होगा, उस रजिस्टर में आपको प्रोग्रामिंग लिखनी होगी, ठीक है। हेलो सर, आप एल्गोरिथम की बात कर रहे हो? क्या बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ कि आप एल्गोरिथम की बात कर रहे हो ना? जी हाँ, एल्गोरिथम के बारे में और कोड के बारे में। जो भी प्रोग्रामिंग आप लिखे, आप मैं दोबारा बताऊँ आपको या आप लिखे, उसको एक बार रजिस्टर में या डायरी में नोट जरूर कर लें। ऐसा क्योंकि कोड्स आपको हमेशा याद नहीं रहेंगे, लेकिन डायरी में नोट कर लेंगे तो इन फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ी तो आप उसको इजिली देख सकते हैं। ऑफिस में डायरी लेके जा सकते हैं, काम करते समय प्रॉब्लम हुई तो उसको देख सकते हैं। जी जी ठीक है। ऐसा अगर ऑफिस में मोबाइल लेके जाते हैं, ऐप अगर डाउनलोड कर रखा है तो वहां आपको तो सारी कोडिंग्स मिल ही जाएंगे, जो कि वहां पे उसके वीडियो मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो एल्गोरिथम एक छोटा सा स्टेप है, बट पावरफुल स्टेप है। अब हम बात करते हैं कि हम विजुअल बेसिक कैसे ओपन करें। ये जो आप डेवलपर में विजुअल बेसिक दिख रहा है, अब इसको आपको कोई इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं कि आप इसको इंस्टॉल करें, इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती है, इनबिल्ड होता है एक्सेल में। इस पे क्लिक करें या फिर अल्ट F11। जब डेवलपर टैब हमने नहीं ऐड किया था तो जनरली किसी पीसी में ओपन उसमें डेवलपर टैब नहीं है, तो ऐसा नहीं कि फिर डेवलपर टैब विजुअल बेसिक पे क्लिक करेंगे, जस्ट हम यहां पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करते हैं और हमारा VBE, इसको बोलते हैं विजुअल बेसिक एडिटर, ओपन हो जाता है एक नई विंडो में। तो जो भी प्रोग्रामिंग है हम इसी पे लिखते हैं। अब इसमें दो 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 तीन चीजें होनी चाहिए, दो तीन चीजें में क्या, ये आपका जो दिख रहा है इसको बोलते हैं कोड विंडो। ये जो विंडो दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं कोड विंडो, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर, और इसको देते हैं प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज। मतलब कि आपके पास जितने भी फाइल खुले हुए, देखिए यहाँ पे मेरा 3-4 फाइल खुले हुए हैं ना, तो सारे फाइलों को लिस्ट है। तो मुझे प्रोग्रामिंग किस फाइल में करनी है उस फाइल को यहाँ से एक्सपेंड करें, और इसमें जितने भी नंबर ऑफ शीट्स है, यहाँ नंबर ऑफ शीट्स आपको दिख रहा है, ठीक है। हम इस पे भी डबल क्लिक करके इसमें प्रोग्राम लिख सकते हैं, या फिर हम एक नई मॉड्यूल यहां से मॉड्यूल इंसर्ट करके यहां पे प्रोग्राम लिख सकते हैं। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अगर मान लीजिए आपके सिस्टम में प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज या प्रॉपर्टीज बार नहीं हुआ, तो लाने के लिए आप यहाँ इस पे क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज के लिए इसको क्लिक कीजिए, आपका एक्सप्लोर के लिए, ठीक है। अगर यहां पे विंडो नहीं दिख रही है तो व्यू मेनू बार में आपको दिख जाएगा, जैसा शॉर्टकट भी है कंट्रोल R एंड F4, यहां से ला सकते हैं। अब बात आती है कि जनरली प्रोग्राम हम लिखेंगे का, हम किसी पर्टिकुलर सीट में लिखें या मॉड्यूल्स में लिखें, या इसमें एक चीज और भी है इंसर्ट में, क्लास मॉड्यूल में लिखें। तो पहले जान लीजिए कि आप जब माइक्रो लिखते हैं तो वो स्टोर कहां होता है। जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम लिखा है, ये मॉड्यूल 1 में जो प्रोग्राम लिख रखा है, ये आखिर इंस्टॉल कहां पर है। तो बेसिकली ये जो इंस्टॉल है वो इंस्टॉल इसी की प्रॉपर्टीज में है, मतलब कि फाइल के अंदर मॉड्यूल प्रॉपर्टीज में। लेकिन अगर आप सीट 1 पे डबल क्लिक किए और इस पे प्रोग्राम लिख दिए तो सीट 1 के प्रॉपर्टीज में चला गया,
कल के डेट में यूजर ने सीट वन को डिलीट कर दिया तो आपकी मैक्रो भी डिलीट हो जाएगी, पहली बात। दूसरी प्रॉब्लम कि आप सीट वन में, सीट टू या दिस वर्कबुक में अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो अनदर सीट और अनदर वर्कबुक के साथ आप अपना लिंक नहीं कर सकते, उसको कॉल नहीं कर सकते, उससे उस पर जाकर डेटा नहीं उठा सकते, दिक्कत करेगा। इसलिए हम जब भी कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो एक नया मॉड्यूल या पहले से जो मॉड्यूल है उस मॉड्यूल में लिखते हैं। एक मॉड्यूल में बहुत सारे मैक्रोस लिखे जा सकते, राइट सर। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ माइक्रो, कि माइक्रो डिक्लेयर कैसे। हम मान लीजिए हमने एक नया मॉड्यूल ऐड कर लिया, तो यहां पे आपको सब या पब्लिक सब, सभी से स्टार्ट करते हैं। देन माइक्रो नेम, जैसे कि हमने लिख दिया टेस्ट, सॉरी स्पेस देना माफ कीजिए, हाँ स्पेस, और यहां पे ब्रैकेट ओपन क्लोज करके एंटर मारिए तो यहां पे आपके सामने आ गया ऐड सर। आप माइक्रो लिस्ट में जाके देखेंगे तो एक टेस्ट नाम का माइक्रो आपके सामने खुल के आ गया। लेकिन ध्यान रखिएगा, माइक्रो नेम के अंदर में किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर, जैसे कि स्पेस हो गया, डॉट हो गया, डैश हो गया, ऐसे चीजें नहीं डालेंगे, वो आपका माइक्रो नेम एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। देखिए बात के बीच में आप जो है अंडरस्कोर ले सकते हैं, जी हाँ अंडरस्कोर ले सकते हैं। तो माइक्रो नेम के अंदर में किसी भी तरह का स्पेशल कैरेक्टर नहीं आता है, ओके? दूसरा, माइक्रो का जो नेम है, एक माइक्रो का नेम एक ही में होना चाहिए, एक फाइल में एक माइक्रो एक ही बार लिखा जाए, दो एक डबल डबल सेम नाम के दो दो माइक्रो नहीं हो। दूसरा, माइक्रो नेम में 3 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नहीं होना चाहिए, इसे इस तरह से राज वन, एक गलत है। गलत क्यों? क्योंकि आप इस माइक्रो को रन ही नहीं कर पाएंगे, ये देखिए नहीं दिख रहा, क्योंकि वो राज वन नाम का एड्रेस पे आ गया, क्योंकि राज वन नाम का एड्रेस होता है तो डिफॉल्ट वो एड्रेस पे ले जाएगा, उसको आप रन ही नहीं कर पाएगा। सो 3 डिजिट 3 करेक्टर और न्यूमेरिक नहीं रखिए, हाँ इसके बीच में अंडरस्कोर लगा दीजिएगा तो चलेगा, ओके? तो कल मैंने जो आर्टिकल दिया था उस आर्टिकल को आप लोगों ने देखा, प्रवीण जी एंड साहू जी? हाँ सर, कल थोड़ा देखा, वो 3-4 सेशन देखा।